सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आप सब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा गाड़ियों का चैनल है। तो आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेके आया हूँ वो DFX की 7-सीटर वैन है, आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका करेंगे डिटेल रिव्यू और आपको बताएंगे कि हमें इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी आप तक पहुँच सके। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पर देखते चले तो हमें यहाँ पर क्रिस्टल हेडलाइट्स मिल जाएंगी, हैलोजन बल्ब आ गया, पार्किंग लाइट, ऊपर इंडिकेटर की ऑप्शन आ गई, बॉडी कलर्ड बम्पर है गाड़ी में। नीचे देखते चले तो यहाँ पर फोग लाइट कंपनी फिटेड इंस्टॉल्ड मिलेगी, बम्पर में ब्लैक कलर में ग्रिल मिलेगी, नंबर प्लेट की ऑप्शन इस साइड पर भी आप चेक कर सकते हैं। ऊपर देखते चलें तो यहाँ पर हमें हेडलाइट्स के दरमियान में एक ग्रिल मिलेगी ब्लैक कलर में, जिसके ऊपर क्रोम की गार्निशिंग हुई है, क्रोम की स्ट्रिप्स नज़र आ जाएंगी आपको। यहाँ पर देखें तो हमारे पास एम्बलम आ गया DFSK का, सेम लुक है साइड से भी। ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी की लुक खूबसूरत है। यहाँ पर देखते चले तो हमारे पास होडा आ गया, यहाँ पर वाइपर वॉशर और यहाँ पर हमारे पास बेसिक से वाइपर्स आ गए। फिन स्क्रीन ह्यूज साइज़ में है काफ़ी। तो अगर गाड़ी की साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास छोटा सा फेंडर आ जाता है, जिसके ऊपर इंडिकेटर लाइट एक आपको मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ मिल जाएगा आपको बम्पर भी और फेंडर भी। अगर गाड़ी के टायर की बात की जाए तो गाड़ी का टायर 165/64 साइज़ में टायर आते हैं, टाइकॉन के टायर इंस्टॉल्ड आते हैं गाड़ी में विद अलॉय व्हील्स, कंपनी फिटेड है। फ्यूल टैंक की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। साइड मिरर्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड आते हैं, डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड आते हैं, की ऑप्शन, स्लाइडिंग डोर आता है बैक। ओवरऑल साइड से गाड़ी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। बैक पर आप चेक कर सकते हैं बैक टायर, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल कुछ इस तरह की गाड़ी है। अगर गाड़ी की बैक की बात की जाए तो जो बैक लाइट्स हैं सिंपल सी बैक लाइट्स आती हैं, ये बैक लाइट आ गई, ये इंडिकेटर आ गया, ये रिवर्स लाइट और ये रिफ्लेक्टर दिया जाता है लाइट में। यहाँ पर हमसफ़र की बैजिंग आ जाती है, इसको पिंक्स हमसफ़र कहते हैं 7-सीटर में। बैक मिरर की लुक कुछ इस तरह की है, कोई वाइपर वॉशर नहीं आता, कोई वाइपर नहीं आता। यहाँ पर टेल लाइट आ जाती है आपकी, यहाँ पर एम्बुलम आ जाता है, यहाँ पर रिवर्स कैमरा, नंबर प्लेट की ऑप्शन,
बॉडी कलर्ड बम्पर आ जाता है, यूरो 4 की बैजिंग यहाँ पर आ जाती है। बेसिक सी गाड़ी है, सिंपल सी। साइड से भी आप देख सकते हैं, साइड मिरर्स जो इसके आते हैं वो मैन्युअली कंट्रोल्ड होते हैं हाथ से ही। तो आइए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं गाड़ी की रूफ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। गाड़ी की रूफ पर काफ़ी खूबसूरत सी लाइंस जा रही हैं बैक तक। तो आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। सिंपल बेसिक सी की आती है, कोई इमोबिलाइजर नहीं आता गाड़ी में। बेसिक आपने चाबी से लॉक खोलने होते हैं। तो गाड़ी के डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर में प्लास्टिक मिल जाएगा, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर फैब्रिक मिल जाएगा थोड़ा सा ग्रे कलर में, क्रोम के हैंडल्स आ जाते हैं। यहाँ पर लॉक और इधर सिर्फ 2 पावर विंडोज़ के कंट्रोल आते हैं फ्रंट के, और यहाँ पर विंडोज़ लॉक। इस साइड पर देखते चलें तो यहाँ पर छोटी सी स्टोरेज स्पेस, और नीचे देखते चले तो वहाँ पर भी हमें छोटी सी फाइल रखने के लिए थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। सो इस साइड की बात करें तो डैशबोर्ड में यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर नीचे देखते चलें तो शायद आपको नज़र ना आ रहा, आप आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास हुड ओपनर की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो AC का बटन यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर डिफॉगर का बटन आ जाता है। इधर हमारे पास सिल्वर ट्रिम के साथ एयर वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर स्पीकर आ जाता है। अगर गाड़ी के दरमियान स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो आप गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील देख सकते हैं, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आता है, हॉर्न टेस्ट। यहाँ पर DFX का एम्बुलम आ जाता है। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर आप गाड़ी का चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास RPM मीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, इधर ऊपर हमारे पास माइलेज शो हो जाएगी, और यहाँ पर फ्यूल गेज और नीचे हीट गेज आ जाती है। ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लुक है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर फिर हमें 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। एंड्रॉयड पैनल गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। नीचे देखते चले तो यहाँ पर हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, ऑल मोड्स आ जाते हैं यहाँ पर। ये 2023 का मॉडल है। यहाँ पर एस्ट्रे सीक्रेट लाइटर। इस साइड पर हमारे पास क्लब बुक्स आ जाता है, और इस साइड पर भी हमारे पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पर भी। इस साइड पर फिर हमारे पास AC वेंट आ जाता है। डैशबोर्ड में सिर्फ इसके 2 स्पीकर्स आते हैं कॉर्नर्स में। इधर हमारे पास GPS लगा हुआ है। सेम डोर है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसके साइड मिरर्स हैं बाहर वाले, वो मैन्युअली हाथ से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते चले तो हमारे पास सनवाइज़र मिल जाता है, नो वैनिटी मिरर, नो लाइट। यहाँ पर रूम लाइट हमारे पास आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक मिरर आ जाता है। इस साइड पर हमारे पास वैनिटी मिरर आ जाता है छोटा सा सनवाइज़र में। ये गाड़ी ड्यूल AC के साथ आती है। बैक पर भी इसकी AC की ग्रिल्स दी जाती हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है 1000 CC इंजन में। यहाँ पर गाड़ी की हैंड ब्रेक आ जाती है। जहाँ तक सीट की कुशनिंग और फैब्रिक का ताल्लुक है तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। फैब्रिक आपको मैं दिखा देता हूँ। 2 टोन में गाड़ी की सीट्स आती हैं, ब्लैक में और ग्रे कंट्रास्ट दिया जाता है डोर के साथ मैचिंग, आप देख सकते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ये गाड़ी आती है। आइए अब आपको गाड़ी को स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी की है। ये आप देख सकते हैं पावर स्टेयरिंग गाड़ी में दिया जाता है, ठीक है। एंड्रॉयड पैनल है गाड़ी में, ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड पैनल गाड़ी में दिया जाता है।
एसी मैं इसका ऑन कर देता हूँ ताकि हमें एसी की कूलिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। फ़ैन मैंने गाड़ी का फ़ैन का थ्रो काफ़ी अच्छा है फर्स्ट लुक में। एसी यहाँ से इसका ऑन होगा, एसी मैंने इसका ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं फैन मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि एसी की आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाए कि एसी गाड़ी का किस तरह का वर्क करता है। आप देख सकते हैं पावर स्टेरिंग है गाड़ी में, ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइस। एसी गाड़ी का काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बैक पर भी हमारे पास यहाँ पर हमें एसी वेंट्स दिए जाते हैं जिसका थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है, काफ़ी अच्छा थ्रो आ रहा है। और यहाँ से इसको ऑफ लो हाई कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैक पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी। बैक डोर को यहाँ से स्लाइडिंग ओपन किया जाएगा। एंट्री काफ़ी ईजी है गाड़ी में। बैक से कुछ इस तरह का इंटीरियर की लुक नज़र आती है गाड़ी के। तो ये डोर में क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर लॉक मिल जाएगा आपको यहाँ से डोर ओपनर इधर से। यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक दिया जाता है वो अच्छी क्वालिटी में दिया जाता है, ब्लैक कलर में आता है। मैनुअली विंडोज़ मिलेंगी आपको यहाँ पर। रूफ़ की बात की जाए तो कारपेट रूफ़ दिया जाएगा गाड़ी में, काफ़ी अच्छा कारपेट रूफ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एयर वेंट्स आ जाते हैं जिनका थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त है। ड्यूल एसी है गाड़ी में। यहाँ पर भी सेम दरवाज़ा, स्लाइडिंग डोर। सीट बेल्ट्स आपको बैक पर भी मिल जाएंगी और फ्रंट सीट्स पर भी मिल जाएंगी। बैक सीट को आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से आगे पीछे करके। इस साइड पर भी ऑप्शन दी जाएगी सेम। तो ये गाड़ी 7 सीटर आती है। तो आइए अब इसकी बैक पर चलते हैं। बैक सीट पर मैं गाड़ी की आ चुका हूँ। बैक सीट पर भी आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं गाड़ी की। सो बैक मिरर जो है वो इधर से ओपन होगा, बैक से यहाँ से ओपन होगा, ये लॉक है इसका। आइए अब आपको गाड़ी की बूट स्पेस चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर बूट जो है वो आपकी की के साथ ओपन होगी। बूट स्पेस इज डिसेंट, काफी जबरदस्त स्पेस है 7 सीटर के बावजूद। आप देख सकते हैं तो आइए अब आपको गाड़ी का हुड चेक करवा देता हूँ, इसके बाद इंजन दिखा देता हूँ। हुड गाड़ी का कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पर ब्रेक ऑयल, यहाँ पर आप गाड़ी के रेडिएटर का वाटर चेक कर सकते हैं, या आपके वाइपर वॉशर के लिए। और यहाँ पर आपका जैक रॉड आ गया। तो अब आपको इंजन चेक करवा देता हूँ गाड़ी का। ड्राइवर सीट के नीचे गाड़ी का इंजन दिया जाता है, 1000 cc के साथ ही इंजन आता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये बंद हो जाएगा, यहाँ से सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेयर व्हील जो गाड़ी में दिया जाता है वो नीचे दिया जाता है। तो व्यूवर्स ये था आज का हमारा रिव्यू, कैरी बॉक्स आप कह लें या मिनी वैगन कह लें, जो कि DFX के शोरूम पर मैं मौजूद था। तो इनका मैंने रिव्यू किया आज। तो इसकी बैक पर भी हमें शार्क्स भी मिलेंगे और कमानियाँ भी मिलेंगी, और इस जो मतलब इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड कैरी कर सकते हैं।
और इसमें ड्यूल एसी भी आपको दिया जाता है। इवन इसके अंदर इतनी ज़्यादा इसमें स्पेस मौजूद है कि आप इसमें एक्स्ट्रा सीट्स बैक पर भी लगा सकते हैं और साइड पर यहाँ पर अंदर भी आप फोल्डिंग सीट लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब रूट्स के लिए भी लोग अक्सर यूज़ करते हैं इसको। तो देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत डब्बा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेंथ में और हाइट में जो है ना वो पाकिस्तान में अब तक जितने कैरी बॉक्स आए हैं उनमें सबसे बेहतर और अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो इस वीडियो का आज हम अहतमाम करते हैं, लेकिन अहतमाम करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो भाई मेरे रेफरेंस से मेरा सब्सक्राइबर इसको ख़रीदने आएगा, इसकी जो एक्चुअल प्राइस इस टाइम चल रही है वो 2669 है, लेकिन जो मेरे रेफरेंस से आएगा उसको 10,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। एड्रेस इसका मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्नर जना रोड अटक का पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं, सियालकोट बाईपास रोड कहलाता है, कॉर्नर जना रोड है अटक का पेट्रोल पंप। तो ये गाड़ी आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप आए भाई से रब्ता करें, तो नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर भी शो हो जाएगा इसका। तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।